Hello guys and welcome to the beautiful channel Learn Tech. So today we are going to learn about the classification of computers. तो हमने पिछले previous videos में देखा था कि evolution of computers कहाँ से हुआ, उसके बाद हमने generations of computer देखे. अब हम पास पढ़ने वाले हैं वो क्या है कि हम classification of computers. तो चलिए start करते हैं आज का topic जिसका नाम है classification of computer. तो अगर आपने पिछले पुराने videos नहीं देखे हैं तो please playlist में जाके आप देख सकते हैं चैनल के, वहाँ पे आपको सारे वीडियोस लाइन से मिल जाएंगे. तो आप वहाँ से जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको कंप्लीट कर सकते हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर. तो जो कंप्यूटर है वो नॉर्मली तीन कैटेगरी में क्या किया गया है, क्लासिफाई किया गया है. तो जो पहला कैटेगरी है, तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है किसको, कंप्यूटर्स को. तो जो पहली कैटेगरी है वो क्या है, डिजिटल कंप्यूटर. ठीक है, जो पहली कैटेगरी है वो है अपनी डिजिटल कंप्यूटर. सेकंड जो कैटेगरी है वो क्या है, एनालॉग कंप्यूटर्स. और जो थर्ड है वो क्या है, हाइब्रिड कंप्यूटर. तो जो बेसिक जो क्लासिफिकेशन किया गया है कंप्यूटर्स का वो तीन कैटेगरी में है. पहला हो गया डिजिटल कंप्यूटर, दूसरा हो गया एनालॉग कंप्यूटर और तीसरा हाइब्रिड. तो जो डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं, नॉर्मली जो हम अपने घरों में यूज करते हैं, पर्सनल कंप्यूटर हो गया, ठीक है, और या फिर आपके जो बैंकिंग सेक्टर में यूज होते हैं, इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं, वो कौन से हो गए आपके, डिजिटल कंप्यूटर्स. तो अगर इसके हम यूजेस देखें तो एग्जांपल देखें तो आप क्या देगा, क्या पीसी, ठीक है, मतलब पर्सनल कंप्यूटर. पर्सनल कंप्यूटर्स हो गए जितने भी आप डेस्कटॉप लैपटॉप जो भी यूज करते हो आ जाते हैं आपके डिजिटल कंप्यूटर्स में. फिर या फिर आप इसका यूज कर सकते हैं क्या, बैंकिंग सेक्टर में यूज कर सकते हैं, या फिर रेलवे सेक्टर में जो यूज होते हैं वो कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर. अब एनालॉग क्या होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स वो होते हैं जो कंटिन्यूअसली क्या कहते हैं, वर्क करते रहते हैं, मतलब आपके कंटिन्यूअस फिजिकल चेंजेस पे डिपेंड करते हैं, मतलब रन टाइम पे. जैसे कि कोई भी वैल्यू आप दें तो उसको रन टाइम पे वो कंटिन्यूअस वर्क करते रहते हैं, उनकी जो वैल्यूज वो चेंज होती रहती है. तो ऐसे जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कहाँ यूज होते हैं, मेडिकल फील्ड्स में. आपने देखा होगा कि जो मॉनिटर्स लगे रहते हैं कहाँ, जो पेशेंट्स के आईसीयू जो वार्ड्स होते हैं उनमें जो कंप्यूटर्स यूज होते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो बताते हैं क्या, हार्ट बीट बताते हैं, या फिर जो नॉर्मल चेंजेस डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं वो एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करते हैं. तो और जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स होता है वो क्या होता है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, मेडिकल्स में, ठीक है, जहाँ पे चांसेस, या फिर आप यूज कर सकते हैं किसी मेडिकल्स में यूज करते हैं जहाँ पे क्या रहते हैं, एरर आने की चांसेस बहुत कम रहे, मतलब हमको एक्यूरेट रिजल्ट चाहिए क्योंकि हम ह्यूमन बॉडी के साथ वर्क करते हैं, उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करते हैं, और जिससे क्या होता है खतरा बढ़ जाता है. इसलिए हमको सारी चीज़ों को ध्यान में रखना पड़ता है कि किसी भी पेशेंट्स का अगर हम कोई भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उसमें जो भी टेक्नोलॉजी यूज करें वो एक्यूरेट रिजल्ट दे. तो और जो तीसरा हाइब्रिड कंप्यूटर होता है, ये इन दोनों का क्या होता है, कॉम्बिनेशन, ठीक है, इन दोनों से कंबाइन होकर क्या बनता है आपका, हाइब्रिड कंप्यूटर. मतलब इसमें दोनों कैपेबिलिटी होती है, मतलब आप इसे एज अ डिजिटल कंप्यूटर भी यूज कर सकते हैं और हाइब्रिड कंप्यूटर. तो जो एक्यूरेसी होती है वो एनालॉग की होती है और जो स्पीड होती है वो डिजिटल कंप्यूटर्स की होती है. तो जो इसकी जो स्ट्रेंथ होती है क्या होती है, एनालॉग की, वो एक्यूरेट रिजल्ट देता है, ठीक है. और जो डिजिटल कंप्यूटर्स हैं वो क्या देते हैं, आपकी इस प्रोसेसिंग स्पीड, मतलब इनकी स्पीड ज़्यादा होती है. तो अब चलिए इसकी डेफिनेशन से और आपको क्लियर हो जाएगा कि एनालॉग कंप्यूटर्स क्या होते हैं और डिजिटल कंप्यूटर्स क्या होते हैं. तो हम देखते हैं अब इनको एक एक करके इनकी डेफिनेशंस, ठीक है. पहला हो गया आपका डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है. तो
आज वैसे भी मेरा नया लुक है क्योंकि मेरे यहाँ एक फैमिली में डेथ हो गई थी, तो इसलिए आज मेरे सर में आपको बाल नहीं दिख रहे होंगे, लेकिन चलो कोई बात नहीं, पढ़ाई को हम नहीं रोक सकते, ठीक है, वो तो करना पड़ेगा, ये सब तो आते जाते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो इसकी अगर हम डेफिनेशंस देखें, जो बुकिश डेफिनेशन लिखी रहती है आपके में, क्या दीज आर तो दीज आर द कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। इसका मतलब क्या है, क्या कि दीज आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म। ठीक है, तो दे आर कैपेबल ऑफ प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म, मतलब वो जो प्रोसेस करते हैं कोई भी डेटा को या इंफॉर्मेशन को, वो किसी भी डिस्क्रीट फॉर्म में टुकड़े, मतलब आपको कोई भी एक प्रोसेस दी गई, मान लो आपको ऐड करना, ठीक है, ऐड करके वो डायरेक्ट आपको क्या करेगा, रिजल्ट शो कर देगा। मतलब इसका जो टास्क रहता है वो लाइफ लॉन्ग नहीं, मतलब कि ज़्यादा देर तक इसका जो पीरियड रहता है वो नहीं रहता, मतलब आप कोई भी टास्क करवाना है तो नॉर्मली आप एक बार में एक ही टास्क करवाते हैं, ठीक है, तो वो उस टाइप के जो टास्क परफॉर्म करने रहते हैं वो आप डिजिटल कंप्यूटर्स में आराम से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो यूज होते हैं कहाँ यूज होते हैं, दे आर यूज्ड इन इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं अपन, ठीक है, इंडस्ट्रीज हो गया आपका, बिजनेस में, ठीक है, बिजनेस और साइंटिफिक वर्क में भी हम यूज करते हैं किसका, डिजिटल कंप्यूटर्स का। ठीक है, अब बात करें अगर हम इसकी एनालॉग कंप्यूटर्स की, तो इसमें आपको ये ध्यान रखना कि ये क्या करता है, प्रोसेस द इंफॉर्मेशन इन डिस्क्रीट फॉर्म, ये इसकी मेन जो कॉन्सेप्ट है इसका, कि वो डिस्क्रीट फॉर्म में प्रोसेस करता है, ठीक है, इंफॉर्मेशन को। अब जो सेकंड है आपका क्या, एनालॉग कंप्यूटर्स, इसको भी हम देख लेते हैं क्या होते हैं। ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर्स, सो एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन कंटिन्यूअस चेंजेबल एस्पेक्ट, मतलब एनालॉग कंप्यूटर्स works on continuously changeable aspects of physical phenomena। ठीक है, तो इसकी जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है, एन एनालॉग कंप्यूटर्स वर्क्स ऑन कंटिन्यूअसली चेंजेबल एस्पेक्ट ऑफ फिजिकल फिनोमेना, मतलब ये जो कंप्यूटर्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली वर्क करते हैं चेंजेबल एस्पेक्ट, मतलब जो कंटिन्यूअसली जो भी डेटा अगर फ्रिक्वेंट चेंज हो रहा है, फ्रिक्वेंटली जो डेटा चेंज होता रहता है, उस टाइप के प्रोसेस के लिए या उस टाइप के टास्क के लिए हम कौन से यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स, जैसे कि फ्लूइड कंप्रेसर जो कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है, तो इस टाइप के फिनोमिना हो गए, उस टाइप के फिनोमिना हम क्या यूज करते हैं, एनालॉग कंप्यूटर्स। ठीक है, तो जैसे वेदर फोरकास्टिंग हो गया, वो चेंज होता रहता है, उसका डेटा जो है वो डेली के डेली अपडेट होता है, और उससे क्या होता है, जो कंटिन्यूसली चेंजेबल एस्पेक्ट में कंडीशन में आ जाता है, इससे इसलिए ये क्या कौन से यूज करते हैं हम, उसमें एनालॉग कंप्यूटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करें अगर
किसकी, हाइब्रिड कंप्यूटर्स की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, नाम से क्लियर है क्या, हाइब्रिड मतलब दोनों चीज का कॉम्बिनेशन, ठीक है, एक से ज्यादा प्रॉपर्टीज जो कंटेन करे, मतलब ठीक है। तो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, दीज आर बोथ डिजिटल एंड एनालॉग, ठीक है। तो दीज आर बोथ डिजिटल एंड एनालॉग टेक्नोलॉजी, ठीक है। इट हैज स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स एंड एक्यूरेसी ऑफ डिजिटल कंप्यूटर्स, ठीक है। तो अगर इसकी बात करें, जो हाइब्रिड कंप्यूटर्स क्या होते हैं, जिनमें बोथ डिजिटल और एनालॉग दोनों टेक्नोलॉजी कंबाइंड रहती हैं, ठीक है। इट हैज स्पीड ऑफ एनालॉग कंप्यूटर्स, जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं उनकी स्पीड ज्यादा होती है, इसलिए वो स्पीड कंसिडर करता है किसकी, एनालॉग की, और एक्यूरेसी किसके जैसी देता है, डिजिटल कंप्यूटर्स के जैसे एक्यूरेसी देता है। तो ये था क्या, हाइब्रिड कंप्यूटर्स, ठीक है। अब ठीक है, ये कॉस्ट इफेक्टिव मींस, मतलब ये कहाँ यूज होते हैं इस तरह की कंप्यूटर्स, आपके कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस में, कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस में यूज करते हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिमुलेशंस, जो भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं उनको सॉल्व करने के लिए हम कौन सा यूज करते हैं, हाइब्रिड कंप्यूटर्स। तो ये था क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, वो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर समझ में आया होगा, और अगर आपको ये पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, एंड तब तक के लिए बाय।